गुमला के पूसो थाना क्षेत्र में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये घटना सिसई प्रखंड के पूसो क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा अपनी सहेलियों के साथ घाघरा थाना क्षेत्र में चल रही हॉकी टूर्नामेंट को देखने गई थी। वहां से अपने सहेलियों के साथ मेला और टूर्नामेंट देखकर लौट रही थी, तभी कोयल नदी के पास चार पांच युवक उसे जबरन उठाकर झाड़ी की ओर ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपियों ने इस बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचने पर मां को पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पूसो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी ने गहन जांच पड़ताल करते हुए पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। घाघरा खपिया में जजरा मेला लगा था, वहाँ पर दिनांक 2 तारीख को वो अपने सहेलियों के साथ 3 बजे निकली थी और 4 करीब वहाँ से मेला देखकर 7 बजे सामने जब वो अपने सहेलियों के साथ लौट रही थी तो घाघरा रूसा गढ़ा पतरा के पास जब पहुँची तो पीछे से 5 लड़के आके उसका पाल पकड़कर उसको झाड़ी में ले जाकर उसके साथ पाँचों बारी बारी से उसका दुष्कर्म किए। जब वहाँ पर ग्रामीण लोग आ गए तो उन लोग उनको लड़की को छोड़कर भाग गया। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक निरुद्ध बालक है और जिसमें करमचंद है, प्रकाश है, विकास है, अनिल और करमपाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। उधर गुमला में पर्यटक स्थल बाघ मुंडा में रविवार को गुम हुए युवक विश्वजीत सामंत का शव एनडीआरएफ की टीम ने जलप्रपात स्थित चट्टान की खाई से बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाते हुए विश्वजीत सामंता का शव को बरामद कर लिया है। शव चट्टान के सुरंग में इस तरह फंसा था कि काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का युवक रहने वाला था, जो गुमला के एक होटल में काम करता था। कि एक बागमुंडा वाटरफॉल में एक 24 वर्षीय लड़के जिसका नाम विश्वजीत सामंता था, उसकी डूबकर मृत्यु हो गई है। ये सूचना प्राप्त होने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई और एनडीआरएफ टीम ने आकर यहाँ पर जो मृत व्यक्ति है उसका शव को खुद लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत मृत व्यक्ति का जो शरीर है उसका